हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा क्रिएशन। आज हम बनाने वाले हैं नथ, वो भी पुरानी इयररिंग्स है। आउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे एक ओल्ड हुप फेविक्विक, और ये मेरी कवर धरनी की पीसेस, और ये पुरानी टूटी हुई इयररिंग्स। आज व्हाइट स्टोन लेकर बनाऊंगी। आपके पास गोल्डन है तो आप गोल्डन भी ले सकते हो, और एक हुक। तो सबसे पहले हम इस लॉक को निकालेंगे। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको इसको अंदर की तरफ बेंड करना है। पर किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पर सीजर लिया है। एक बार हम इसे अंदर की तरफ बेंड करेंगे और उसके बाद इसे बाहर की तरफ बेंड करेंगे। इस प्रोसेस से ये बहुत ही इजी और फास्ट वे में बाहर निकल आता है। ये था हमारा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम, जो कि पूरा हो चुका है। इसको हल्का सा बेंड कर लेंगे ताकि ज्यादा गैप ना रहे। मेरे पास ये टूटी हुई इयररिंग की पीस है, मैं इसकी पीसेस अलग कर लूंगी। बहुत ही इजी वे में ये बाहर आ जाता है, आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं लगेगी, सिर्फ सीजर चाहिए होगा। आपको इसे टर्न कर लेना है और ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है उसे ओपन करना है, उससे सारी स्टोन बाहर आ जाएगी। ये देखिए कितना इजी प्रोसेस था। अब मैं इसमें से सिर्फ एक ही पीस ले रही हूँ और ये बॉल लूंगी जिससे मैं नथ बनाऊंगी। आप चाहो तो ज़्यादा ले सकते हो और अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हो। स्टोन में फेविक्विक लगाने से पहले एक बार नोज पे लगा के मेजरमेंट देख ले कि आपका स्टोन कहाँ पर फिक्स होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, सब कुछ। क्योंकि अगर आप फेविक्विक लगा लोगे उसके बाद आप इसे नहीं निकाल पाओगे। मेजरमेंट मैंने देख लिया है, अब मैं फेविक्विक लगा रही हूँ उसे टर्न करके। फेविक्विक लगाने में कोई कंजूसी ना रखे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और हाँ, अपने हाथों को बचा कर रखें, क्योंकि फेविक्विक चिपक जाती है तो बहुत ही ट्रबलसम होता है गाइज। इसे थोड़ी देर तक सूखने दीजिएगा, उसके बाद हम इसमें अपना बॉल अटैच कर देंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि ये लॉक्ड हो जाए और गिरे नहीं। अब इसमें लगा देंगे हम अपनी पुरानी कमरधनी पीस। इसे हम अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे फेविक्विक की हेल्प से। सूखने के लिए रख देंगे थोड़ी देर, और उसके बाद इसमें हुक लगा देंगे लास्टली। वन साइड से हुक को अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे और ये रेडी हो गया हमारा नथ। चलिए इसे मैं पैन कर दिखाती हूँ। हुक को अंदर डालना है और टैपर की हेल्प से उसे लॉक कर लेना है। अपने हिसाब से इसे बेंड कर लूँगी और बस हुक को लगा लेना है। अब ना ही ये हिलने वाला है और ना ही ये निकलने वाला है। अगर आप इसे शादी में भी पहन कर जाते हो तो आप डांस कर सकते हो बेफिक्र होकर, ये बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।